हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 5 मैथ चैप्टर 2 शेप एंड एंगल्स का वीडियो लेसन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो आपका रोहिणी एंड मोहिनी जो सिस्टर्स होती हैं वो क्या बना रही थी, एंगल ट्विस्टर विद द हेल्प ऑफ कार्डबोर्ड एंड पिन के थ्रू। और उसके थ्रू जो भी घर में जो भी सामान था उसको दौड़ भाग करके क्या कर रही थी, उसका एंगल्स को मेजरमेंट कर रही थी वो, ठीक है। देन आपको मैंने बताया था कि व्हाट इज़ द एंगल क्या होता है, लाइंस क्या होती हैं आपकी, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन रे क्या होता है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करना। अब हमारे पास कुछ और से टाइप ऑफ एंगल, तो आप इसको अच्छे से मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आगे भी हमें काम आने वाला है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, जो एंगल आपका लेस देन 90 डिग्री हो आपका, तो वो एंगल क्या कहलाता है आपका, एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या होते हैं, जो एग्जैक्ट एंगल आपका कितना हो, 90 डिग्री एंगल हो, वो आपका राइट एंगल कहलाता है। इसके बाद आपका था ऑब्ट्यूज एंगल, था ऐसे एंगल जो कि आपका 90 डिग्री से ज़्यादा हो, यानी कि मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, तो वो आपका क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है आपका। देन आपके पास क्या है, स्ट्रेट एंगल, यानी कि एग्जैक्ट आपका जो हो 180 डिग्री है आपका है, तो वो स्ट्रेट एंगल आपका है। देन आपके पास एक जीरो एंगल भी था हमारे पास। देन आप देखो यहाँ पे राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल है क्योंकि लेस देन है 90 डिग्री आपका है, ये आपका क्या है 180 है, ये आपका 90 डिग्री है, ये 150 है बिकॉज ऑफ मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 180, दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। देन आपके पास एक प्रैक्टिस टाइम है, आपके बुक में भी होगा ये, आप चेक करना। लुक एट द एंगल्स इन द पिक्चर्स, आप पिक्चर्स में एंगल्स को देखो, यहाँ पे देखो यहाँ एंगल दिया गया है, एंड फिल द टेबल। तो ये आप देखो एंगल क्या है, ये आपका लेस देन क्या है आपका 90 डिग्री, तो ये क्या आपका लेस देन है, लेस देन अ राइट एंगल। तो ये आपका कैसा एंगल है, ये आपका है एक्यूट एंगल, ओके। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करना। सेकेंड देखो आपका क्या है, ये आप ऐसे मैंशन करोगे, आप इसका ये हैंड है, तो ये आप देखोगे ये बिल्कुल आपका क्या है, ये आपका ये राइट एंगल काम करता है आपका है। सेकेंड आप देखोगे काइट है आपका, तो ये एंगल क्या है, ये आपको ग्रेटर देन क्या मिलेगा, मोर देन अ राइट एंगल, तो इसे बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसको आप अच्छे से राइट डाउन करना, ये आपका है राइट एंगल। देन आप देखोगे यहाँ पे, तो ये भी आपका एंगल क्या है, मोर देन अ राइट एंगल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो आपका मोर देन अ राइट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से मैक्सिमम है। फिर आपको देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये मोर देन अ राइट एंगल मिलेगा देखने को। तो ये आपके पास ये कुछ हमारे पास एंगल्स है, देखो ये क्या आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री आपका, तो ये आपका है ऑब्ट्यूज एंगल है आपका, ये बिल्कुल आपका कितना है, ये आपका एग्जैक्ट 90 डिग्री है, ये आपका राइट एंगल है, ये आपका लेस देन है, तो ये आपका एक्यूट एंगल है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है आपका। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, तो आप ध्यान दोगे, आपके पास जो बुक है आप बुक में इसको ढूंढना, तो आपको ये भी मिल जाएगा देखने को। आपका जो ये सीजर है, सीजर्स को फोल्ड किया गया है, तो आप देखोगे जो सीजर फोल्ड है आपका, तो ये लेस देन आपका राइट एंगल है आपका, ये आपका एग्जैक्ट। आप देखोगे जो आप अगर आप अपनी जो आर्म है इसको फोल्ड करोगे आप स्ट्रेट बिल्कुल, तो ये आपका राइट एंगल काम करेगा आपका। फिर ये आपका काइट है, तो आप देखोगे यहाँ पे आपका जो एंगल है वो आपको ग्रेटर मिलेगा, ग्रेटर देन है राइट एंगल आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास क्या है, सुखमन मेड दिस पिक्चर विथ सो मैनी एंगल्स। तो एक हमारे पास सुखमन है, जो वहाँ पे क्या किया उसने, एक बहुत ही पिक्चर बना रखा है आपका, जहाँ पे बहुत ही एंगल देखने मिल रहा है, जैसे आपका ये एंगल हो गया आपका, देन आप देखोगे ये एंगल आपके पास है, यहाँ पे बहुत से एंगल्स हमारे पास है। यूज़ कलर पेंसिल टू मार्क, आपको कलर पेंसिल लेना है उसको मार्क करना है। राइट एंगल विद द ब्लैक कलर, तो राइट एंगल को हमें क्या करना है, ब्लैक कलर से मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं ब्लैक पेंसिल ले लेता हूँ, तो आप देखोगे तो ये एरिया जो है वो राइट एंगल का एरिया है, ये वाला, ये दिस इज़ द ऑन इज़ द राइट एंगल। तो आप देखोगे यहाँ पे जितने भी आप ब्लैक कलर मार्क हैं वो सब राइट एंगल मार्किंग है आपकी। सेकेंड क्वेश्चन है, एन एंगल विच आर मोर देन अ राइट एंगल विथ ग्रीन। अगर एंगल मोर देन राइट एंगल है आपका है, तो क्या होगा आपका, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, उसको मार्क करना है ग्रीन। तो ग्रीन नहीं है तो हम इसको क्या करते हैं, येलो से, ओके। तो आप देखोगे ये वाला जो एंगल है आपका, ये सब क्या है, मोर देन अ राइट एंगल, तो सबको मार्क किया गया आपका, ये हेड है आपका, तो यहाँ पे भी मार्क किया गया है ग्रीन से आपका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे कि एंगल विच आर लेस देन अ राइट एंगल मार्क विथ ब्लू। अ
अब लेस देन है आपका तो एक्यूट एंगल होगा आपका, तो उसे मार्क किया गया है ब्लू से, तो ये आपका लेस देन 90 डिग्री आपका है, इन सबको मार्क किया गया आपका ब्लू से, ठीक है। तो आप इस तरह से मार्किंग करना, अपने बुक में भी मार्किंग कर लेना आप लोग, ओके क्लास। नेक्स्ट आप देखोगे हमारे पास क्या है, ड्रॉ एनीथिंग, आपको कुछ भी ड्रॉ करना है अराउंड द एंगल सोन, जो भी आपको एंगल दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग। ऑल्सो राइट वॉट काइंड ऑफ एंगल इट इज, तो आपको क्या करना है ये भी बताना है कि ये किस तरह का एंगल है, जैसे कि आपका राइट एंगल है, ठीक है। दिस फर्स्ट वन इज डन, तो ये आपका लेस देन राइट एंगल आपका है, इसको इन्होंने बना रखा है ऑलरेडी। तो आप देखोगे तो ये क्या है आपका, ये क्रोकोडाइल बना रखा है जो कि माउथ ओपन करता है, तो उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम होता है आपका, तो ये लेस देन राइट एंगल इसे बोलते हैं ऑलरेडी, ऑल्सो नोन एज द एक्यूट एंगल। तो आप एक चाहो तो आप लैम्प बना लो, तो लैम्प में क्या होगा आपका, लैम्प में आप देखोगे तो आपको राइट एंगल देखने मिलेगा। इसी तरह से आप देखोगे हाउस, तो हाउस आप बनाओगे तो हाउस का रूप जो क्या है वो मोर देन राइट एंगल, तो ये आप एक हाउस बना सकते हो, तो वहाँ पे क्या होगा ये मोर देन राइट एंगल मिलेगा, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल आपका है। देन आपके पास एक और है, जो आपके पास ये फ्लिप फ़ोन, अगर हम एक फ्लिप फ़ोन लेते हैं तो ये क्या है आपका, ये भी आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, फ्लिप फ़ोन मोबाइल मोर देन राइट एंगल, तो आपका ये क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल होगा आपका ये। फिर ये देखो आपका किसी बर्ड का क्या है, सॉरी दिस इज़ द बर्ड, आप देखो कि बर्ड की बीक है आपका लेस देन राइट एंगल, तो ये दोनों हमारे पास कोई बर्ड है जिनकी बीक है, तो ये क्या होगा लेस देन राइट एंगल, तो ये क्या आपके पास है, ये आपका एक्यूट एंगल में काउंट करेंगे हम इसे, ओके क्लास। तो आप बहुत से इमेज बना सकते हो, जैसे भी आप अपने आसपास ऑब्जर्व करते हो उसके अकॉर्डिंग आप इमेज को ड्रॉ कर सकते हो, ओके। तो ये आपके लिए एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, आप इसकी हेल्प भी ले सकते हो। नेक्स्ट आपके पास एक एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, एक पेपर ए फोर साइज कोई पेपर ले लो आप, उससे आप क्या करो स्क्वायर शीट पेपर आपके पास ए फोर साइज है उसके स्क्वायर शीट में आप कट कर लो, देन क्या करना है आपको फोल्ड इट इन हाफ, उसको क्या करो फोल्ड करो, ये मान लो पेपर है तो इसको क्या करना है इसको फोल्ड कर देना है, फोल्ड करोगे तो ये हाफ हो जाएगा, फोल्ड इट वंस अगेन, अब भी जब आपने फोल्ड कर रखा है इसको फिर से क्या करो फोल्ड करो, तो ये आपका फिर से फोल्ड हो जाएगा, फोल्ड करके पेस्ट कर देना आप लोग वो ओपन द लास्ट फोल्ड, अब जो आप लास्ट फोल्ड ओपन करोगे तो ये क्या होगा इट फोल्ड इन हाफ, तो वो आपका हाफ फोल्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद टेक वन कॉर्नर, आपको एक कॉर्नर लेके क्या करना है कॉर्नर को फोल्ड कर देना है, एक कॉर्नर को फोल्ड कर देना है, फोल्ड करने के बाद पेपर को पूरा ओपन करना आप लोग, पेपर को पूरी तरह से ओपन करोगे आप, ऑन द पेपर यू विल फाइंड लाइंस, तो आपको क्या मिलेंगे ये देखो, ये पेपर आपने जब फोल्ड किया था इस तरह की आपको ये लाइंस मिलने वाली हैं, जब उसको आप अनफोल्ड करोगे तो आप देखोगे ये आपका एंगल क्या है, ये तो आपका लेस सॉरी ये एंगल जो आपका है वो लेस देन 90 डिग्री आपका है, ये आपका 90 डिग्री एंगल मिलेगा देखने को, ये आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल मिलेगा देखने को आपको, ठीक है। जब आप पूरे फोल्ड पेपर को ओपन करोगे आप, तो देखो इस तरह से आप फोल्डिंग ओपन करोगे तो इस तरह से आपको इमेज देखने को मिलेगी, ओके क्लास। एक और एक्टिविटी आपके पास है, एंगल विथ योर बॉडी, अपनी बॉडी के साथ आप एंगल को बना के देखो, कैन यू मेक दीज एंगल्स, क्या एंगल बना सकते हो, जैसे कि नंबर वन आपके पास है योर राइट एंगल विथ योर हैंड, बिल्कुल बना सकते हो, अपने आर्म्स को फोल्ड करो आप, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, तो आप देखोगे आपका एंगल जो होगा वो 90 डिग्री फॉर्म होगा आपका। एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल विथ योर लेग, बिल्कुल अपने एक वन लेग को क्या करना हल्का सा फोल्ड करोगे आप, तो आप देखोगे इसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से लेस हो जाएगा, तो एक आपका एक्यूट एंगल को फॉर्म करेगा। एन एंगल मोर देन अ राइट एंगल विथ योर आर्म, बिल्कुल आर्म्स को बस थोड़ा सा फोल्ड हल्का सा फोल्ड करो आप, तो आप देखोगे स्ट्रेट फोल्ड नहीं करना आप सीधा एकदम नहीं, थोड़ा सा फोल्ड करोगे आप तो एंगल जो फॉर्म होगा आपका जो बेस आपका आर्म्स होगा उसके बेस पे आप देखोगे इसका एंगल क्या होगा मोर देन 90 डिग्री होगा जो कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा। एन एंगल मोर देन अ राइट एंगल विथ योर बॉडी, तो बिल्कुल आप बॉडी को क्या करो बॉडी को इस तरह से बैंड करो आप, तो ये एंगल क्या होगा मोर देन अ राइट एंगल ऑफ बॉडी, तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो बहुत ही ईजी वे में, ओके। होप ऑल ऑफ एंजॉय दिस सेशन, आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो आपके पास ये जितने भी क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको बताए गए हैं कि आपको क्या करना है, जैसे आपको ये पिक्चर्स है प्रैक्टिस टाइम इस पिक्चर्स को ड्रॉ करना है, मे बी इनके नेम भी आप मेंशन कर सकते हो, और आपको क्या करना राइट एंगल मोर देन राइट एंगल जो भी है आपका लेस देन राइट एंगल, तो आप उसको क्या करो टिक मार्क करो आप। देन आपके पास क्या है जो इन्होंने इमेज बना रखा है सुकमन ने, उसको आप क्या करना है कलर पेंसिल यूज़ करके अपनी बुक में इसको मार्क करना,
कि राइट एंगल ब्लैक कलर से मार्क करना, ग्रीन एंग जो मोर देन राइट एंगल आपका है कि ऑब्ट्यूज एंगल है उसको ग्रीन कलर से मार्क करना, अगर एक्यूट एंगल है उसे ब्लू कलर से मार्क करना आप लोग। ओके नेक्स्ट आपके पास है कुछ भी आप ड्रॉ करना एनीथिंग और बताना कि वो एंगल कौन सा एंगल है आपका। जैसे आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने ये दे रखा है आपके लिए। ओके और प्लस आप जो पेपर फोल्ड एक्टिविटी है उसको भी परफॉर्म करना आप लोग, तो बिल्कुल आपको इस तरह से आफ्टर अनफोल्डिंग आपको ये देखने को मिलेगा जिसमें आपको राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल देखने को मिल सकते हैं। फिर अपने बॉडी को स्ट्रेच बेंड करके देखना आप लोग कि आपको आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये आप एक्टिविटी अपने नोटबुक में भी मेंशन करना, उसका नोट डाउन करना आप लोग। होप ऑल ऑफ एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू क्लास।